करते हैं नतीजों पर। मदरसन वायरिंग के नतीजे जारी हुए हैं और इसमें नंबर्स पर नज़र डालें तो मजबूत नंबर थे। मार्जिन 9.9% से बढ़कर 11.8% के कामकाजी मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिली है, मुनाफे में भी बढ़त है और आया हमारे अनुमान के मुताबिक है। लेकिन बाकी कुछ नंबर्स देखेंगे तो अनुमान से हल्की कमजोरी वहाँ पर देखने को मिली है। स्टॉक फिलहाल हरे निशान में कारोबार कर रहा है। नतीजों पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मदरसन वायरिंग के CFO महेंद्र छाबड़ा जी और COO अनुराग गहलोत जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। महेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, सालाना आधार पर ग्रोथ काफ़ी बेहतर नज़र आई है हमें, ये बताइए कि क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये सपोर्ट मिला, और फेस्टिव सीजन को लेकर ऑर्डर बुक आपको कैसी दिखाई दे रही है? जहाँ तक बिजनेस की बात है, आई थिंक ये क्वार्टर वाली काफी अच्छा रहा। इन टर्म्स ऑफ हमारा जो रेवेन्यू है काफी बेटर रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 2,000 करोड़ का थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है। देयर हैज बीन अ गुड डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द मार्केट फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड दैट हैज काइंड ऑफ लेड टू दिस ग्रोथ एज फार एज रेवेन्यूज आर कंसर्न। अब हमें लग रहा है कि मार्केट में अच्छी डिमांड है सब कैटेगरीज में, और उसी के साथ हम, क्योंकि हम लोग मेनली सप्लाई ओईएम सप्लायर्स को ओईएम सप्लाई करते हैं, तो हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री की ओईएम की ग्रोथ के साथ काफी उसमें रहती है, उस फ्लो में रहती है। जहां तक मार्जिन की बात है, इस बार हमारे मार्जिन भी पहले से बेटर हैं। हम लोगों ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स किए हम लोगों ने, और जो हमने नए प्लांट्स भी लगाए थे वो भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हमें उसके भी रिजल्ट दिख रहे हैं, और इन सब का कलेक्टिव रिजल्ट हमारे मार्जिन पर के ऊपर विजिबल है। ओके अनुराग, आपने कुछ नई कैपेसिटी भी जोड़ी है कंपनी में, अभी फिलहाल उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है और आगे के लिए क्षमता विस्तार की क्या योजना है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। अभी हमने इस साल के लिए FY 2023-24 के लिए करीब 125 करोड़ का कैपेक्स लिया हुआ है, और हम जो है अभी राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि अभी तो आधा ही साल निकला है। आने वाले सालों के अंदर, जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो हम जो है देख रहे हैं कि कितना अच्छा रोड नेटवर्क हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है, और वो अच्छा है और सारे ओईएम्स के लिए भी, क्योंकि अभी भी जो कार पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर वो काफी लो है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और जब हम कस्टमर के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले सालों के अंदर भी जो है काफी सारा उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़कर आएंगे। उसी प्रकार जैसे कि कस्टमर के साथ हम जब काम करते हैं तो हम लोगों ने अपनी भी जो प्लानिंग करी हुई है कि आने वाले सालों के अंदर और भी प्लांट्स जो हैं आएंगे, तो वो कैपेक्स आज की तारीख में जो है ये सिर्फ 125 करोड़ का जो कैपेक्स है वो अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है, क्योंकि हम जो है रेंटल पर शामिल के साथ हैं, और आने वाले सालों में जहां पर जमीन की अवेलेबिलिटी होगी उसी हिसाब से जो होगा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जो आपका दूसरा सवाल है रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमने नए प्लांट्स लगाए थे उसके अंदर 70 से 80% का यूटिलाइजेशन पहुंच गया है, और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर वो और भी बढ़ेगा। महेंद्र जी, अगला सवाल आपसे होगा। अब यहाँ से कमोडिटी प्राइजेस की चाल आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली कॉपर प्राइजेस की अगर बात करें तो Q3 में किस तरह के लेवल्स आप वॉच करेंगे? कॉपर हमारी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कॉपर के लिए हम लोगों का पास थ्रू अरेंजमेंट है हमारे कस्टमर्स के साथ, जिसमें कुछ कस्टमर्स को हम 1 क्वार्टर के लैग पे पास थ्रू करते हैं, कुछ कस्टमर्स को हाफ ईयरली के लैग पे पास थ्रू करते हैं। जहां तक कॉपर की बात है, कॉपर से हमारी कॉस्ट पे इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए। कॉपर के साथ साथ हमारा फॉरेक्स जो है उसका भी हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा पास थ्रू अरेंजमेंट है, और कुछ भी उसमें फॉरेक्स में अप डाउन आता है वो भी हम कस्टमर्स के साथ पास थ्रू अरेंजमेंट में उसको हम सेटल करते हैं। महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। एक समय था जब आपके वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा थे और बढ़ी हुई जो इन्वेंट्री थी वो भी कहीं ना कहीं चिंता की बात थी। अब अगर तिमाही दर तिमाही कंपेयर करें तो फिलहाल इन्वेंट्री की हालत क्या है, क्या वहाँ पर कुछ सुधार देखने को मिला है?
जहां तक वर्किंग कैपिटल की बात है, आई थिंक टीम ने काफी उस पे फोकस्ड होके अप्रोच किया है और उसके ऊपर फोकस किया है। और जहां तक वर्किंग कैपिटल की बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के, जो हमारी इन्वेंट्री है वो भी पिछले क्वार्टर से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज कम हो गई है। जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो भी हमारे इन लाइन विद द बिजनेस है, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। हमारी वर्किंग कैपिटल पिछले क्वार्टर से बेटर होती हुई दिख रही है। ओके महेंद्र जी, अनुराग जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन हमें समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मदरसन वायरिंग के मैनेजमेंट CFO और COO दोनों ही हमारे साथ मौजूद थे। स्टॉक पर नज़र डालें तो इस वक्त काफ़ी फ्लैट है। शुरुआत अच्छी मजबूती के साथ हुई थी लेकिन अब 60 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। रुझे तो कुछ व्यू बन रहा है आपका, कहना जरिया है मदरसन सुमी वायरिंग पे? शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी कंसोलिडेशन है स्टॉक में। अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, स्टॉक 56 से 58 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, लेकिन नो वैसा मोमेंटम हायर साइड पे नहीं आ रहा है। सो आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन हम जिसे कहते हैं, वो कंसोलिडेशन शायद नो कुछ और समय तक कंटिन्यू रह सकता है। ओके ठीक है, तो यह है सलाह मदरसन सुमी पर।